सरोकार। खबर कानपुर से है, जहां एक दिन में राहत गलन भरी सर्द ने फिर बढ़ा दी आफत। 13 और मौतें 24 घंटे में। हृदय रोग संस्थान पहुंचे 1100 मरीज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बना रहेगा उतार चढ़ाव। कानपुर में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण रोगियों की भीड़ में इजाफा हो रहा है। कानपुर में एक दिन में राहत गलन भरी सर्दी ने फिर बढ़ा दिया आफत। 13 और मौतें 24 घंटे में। हृदय रोग संस्थान पहुंचे 1100 मरीज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बना रहेगा उतार चढ़ाव। लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण रोगियों में इजाफा हो रहा है। एक दिन रात गलन भरी सर्दी ने फिर बढ़ा दी आफत। खबर कानपुर से है। 13 और मौतें 24 घंटे में। हृदय रोग संस्थान पहुंचे 1100 मरीज। लगातार कानपुर में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बढ़ा रहेगा उतार चढ़ाव। लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण रोगियों की भीड़ में इजाफा। कानपुर में गलन भरी सर्दी ने फिर बढ़ा दिया आफत। 13 और मौतें 24 घंटे में। हृदय रोग संस्थान पहुंचे 1100 मरीज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बना रहेगा उतार चढ़ाव। लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण रोगियों की भीड़ में इजाफा हो रहा है। खबर कानपुर से है, जहां गलन भरी सर्दी ने फिर बढ़ा दी है आफत। 13 और मौतें 24 घंटे में। हृदय रोग संस्थान पहुंचे 1100 मरीज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बना रहेगा उतार चढ़ाव। कानपुर में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण रोगियों में इजाफा हो रहा है। हृदय रोगी लगातार कानपुर में बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर से है, जहां गलन भरी सर्दी ने फिर बढ़ा दी है आफत। 13 और मौतें 24 घंटे में। हृदय रोग संस्थान पहुंचे 1100 मरीज। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उपेंद्र। उपेंद्र, कानपुर में देखा जाए लगातार हृदय रोगी मरीज बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1100 मरीजों का इजाफा हुआ है। लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से हॉस्पिटल्स में क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी मिलेगा, तो बदले कागजों जो कार्डोलॉजी लेकर के लगातार देखों में बढ़ते चले आ रहे हैं। और लगभग देखा जाए तो 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी है कार्डोलॉजी में, जो ब्रेन स्ट्रोक के हार्ट प्रेशर की जो हो चुकी है। उससे पहले कहीं देखा जाए तो 60,000 की जो पूरी तरह से सक्रिय है। उसका जिला प्रशासन पूरा अपडेट दे रखा है और पूरी जो मॉनिटरिंग है वो DM जो कानपुर के विकास जी जो है वो पूरे अपडेट में रखे हुए हैं। जी, जिस तरीके से लगातार कानपुर में ठंड देखने को मिल रही है, तो प्रशासन की तरफ से अलाव और रैन बसेरों का क्या कुछ व्यवस्था किया गया है वहाँ पर? जी मैंने जिस तरह ठंड पड़ी है, देखा जाए कहीं ना कहीं आज जो है जो कानपुर में दिखाई तो पूरी तरह कुछ जो ठंड तो कम हो जाए, इसका कोयला कम हुआ, पर कहीं ना कहीं दिखाई तो नगर निगम की लापरवाही बड़ी देखी जा रही है। किसी प्रमुख चौराहे पर जो है अभी अलाव किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। उपेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से हृदय के मरीज बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर्स ने क्या कुछ एहतियात बरतने को कहा है इसको लेकर? जो कानपुर में जो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट के पेशेंट लगातार जो पाए गए मरीज है, और जो देखा जाए कहीं ना कहीं जो सरपास वार्ड और जिला प्रशासन जो है पूरी अपील कर रहा है कि जो ठंड के पेशेंट जो अस्थमा के मरीज है वो घर के अंदर रहे और उनके लिए जब जरूरत पड़े तब घर से बाहर निकले। और देखा जाए कहीं ना कहीं जो है मौसम विभाग जो है वो कहीं ना कहीं कानपुर जो है ऐसे जवाब देने को है इस टाइम।
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इरफान सोलंकी की जमानत पर आज सुनवाई होगी। पुलिस और इरफान सोलंकी के वकील कोर्ट में रहेंगे आमने सामने। जमीन कब्जा, आगजनी और रंगदारी के मामले में होगी सुनवाई। मामले में सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी पर भी था आरोप। खबर कानपुर से है, सपा विधायक पर हो सकती है बड़ी कार्यवाही। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत पर आज होगी सुनवाई। पुलिस और इरफान सोलंकी के वकील और कोर्ट आमने सामने रहेंगे। जमीन कब्जा, आगजनी और रंगदारी के मामले में होगी सुनवाई। मामले में सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी पर भी था आरोप। सपा विधायक पर हो सकती है बड़ी कार्यवाही, सूत्र। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता उपेंद्र। उपेंद्र, सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत पर आज सुनवाई होगी। जी, मैं पूरा पूरा इरफान सोलंकी का पूरा मामला है वो लगातार वीडियो सुर्खियों में चला, और आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानपुर कोर्ट में जो है, जो न्यायालय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा है तो इरफान सोलंकी लेकर रंगदारी जो जो आगजनी कांड था उसको लेकर अपडेटिंग होंगी। उसके बाद सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो कानपुर पुलिस है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा तो जो इरफान सोलंकी जो भाई है पुलिस में आरोपित है इरफान सोलंकी, और कहीं ना कहीं देखा तो आज जो इरफान के जो वकील है वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट में कानपुर पुलिस के आमने सामने होगी होगी। उसके बाद देखा तो आज कहीं ना कहीं तमाम के लिए सुनवाई होनी है। जी, उपेंद्र, सूत्र के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो क्या लगता है इरफान पर मुश्किलें और बढ़ेंगी? जी, आपको नहीं मालूम है कि इरफान सोलंकी ने जो बांग्लादेशी नागरिकता वाले जो इस्लाम था, उसका पासपोर्ट था, और जो उन्होंने ट्रेवल किया दूसरे नाम से जो किया था उसको लेकर लग रहा है कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस जो है रिमांड पे लेगी। वो भी आज अभी तक कोर्ट में आने के बाद क्लियर होगा कि आज जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि देखना ये भी है कि पुलिस को अपना पक्ष दिखाना भी है। इसकी देखा जाए कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी रसूलता विधायक है कानपुर में। जी उपेंद्र, उनके भाई पर भी आरोप लगाया गया था, तो क्या और उनके भाई पर भी आगे की कार्यवाही की जा सकती है? जी बिल्कुल, ऐसे तो इनके भाई जो रिजवान सोलंकी है बताया जा रहा है, पुलिस सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है जो कानपुर कमिश्नर जान को आनंद लगा तिवारी उन्होंने साफ बताया कि जो इरफान के जो भाई रिजवान सोलंकी है उनके पाकिस्तान से जो ट्रांजेक्शन करप्शन है वो क्लियर सामने आ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। लखनऊ में आज भी ठंड का सितम जारी है। कोहरे की चादर से ढका पूरा शहर। लखनऊ में ठंड का सितम जारी है, कोहरे से पूरा शहर ढक चुका है। तेज ठंड के चलते बढ़ रही है भारी गलन। सर्द हवाओं से लोगों का जीना हुआ बेहाल। लखनऊ में आज भी ठंड का सितम जारी है। कोहरे की चादर से ढका पूरा शहर। तेज ठंड के चलते बढ़ रही है भारी गलन। सर्द हवाओं से लोगों का जीना हुआ बेहाल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुहानी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुहानी, पूरे यूपी में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, लखनऊ में आज कितना तापमान दर्ज किया गया है?
कड़ाके की ठंड, कोहरा और धुंध की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश एक ठंड के वजह से वहाँ के आम जनता जो है उनका जीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वो बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और कई इलाकों में आपको उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में पूरे ठंड के 3 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। हर जगह जो कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अपने काम में समय से नहीं जा पा रहे हैं। इसके अनुसार कई ऐसे जो बसें हैं, ट्रेन है, कई घंटे लेट जा रही है, तो ये जो ठंड है वो बढ़ते ही जा रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। वही दूसरी तरफ देखें तो सुबह के 12 बजे 1 बजे तक कड़ाके की ठंड और कोहरे धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और फिर शाम 4 बजे से ही कोहरे की सितम जारी हो रहा है। तो ऐसे ठंड की वजह से काम पे भी लोग अपने सही से नहीं जा रहे हैं और कई घंटे बसें लेट जा रही है, तो ये जो ठंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं कि आगे जनवरी के लास्ट तक अगर ये ठंड कम नहीं होती है तो आगे क्या देखा जाएगा। तो वही दूसरी तरफ मौसम विभाग से भी कहा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है उसके वजह से हमारे जो उत्तर भारत में पूरे कड़ाके की ठंड और धुंध की वजह से जीवन जो है अस्त व्यस्त पड़ गया है। सुहानी, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, गलन भी बढ़ रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है लखनऊ में? बता दें कि प्रशासन ने जो यूपी सरकार है वो बैन बसेरे से लेके और अलाव और कंबल और ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो उत्तर प्रदेश के आम जनता के लिए कर रही है और जा के समय समय पर उसकी समीक्षा भी कर रही है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे कड़ाके की ठंड की वजह से ब्रेन स्ट्रोक, मिर्गी, ऐसी कई बीमारियों की वजह से लोगों की जो मौत हो रही है उसमें भी देखा जा रहा है और अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो है यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के जनता के लिए कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। राजधानी लखनऊ, 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महर्षि यूनिवर्सिटी में 106वीं महर्षि जयंती समारोह में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री। 14 जनवरी से फ्लाईओवर पर दौड़ेंगी गाड़ियां। शहीद पर से एयरपोर्ट पर आना जाना हो जाएगा आसान, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। फ्लाईओवर निर्माण पर खर्च किए गए हैं 134 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पर आएंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। महर्षि यूनिवर्सिटी में 106वीं वर्षीय जयंती पर समारोह में शामिल भी होंगे। 14 जनवरी से फ्लाईओवर पर दौड़ेंगी गाड़ियां। शहीद पद से एयरपोर्ट पर आना जाना हो जाएगा आसान। फ्लाईओवर निर्माण पर खर्च किए गए हैं 134 करोड़ रुपए। खबर लखनऊ से है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। बड़ी खबर लखनऊ से है, फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
महर्षि यूनिवर्सिटी में 106वीं महर्षि जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। 14 जनवरी से फ्लाईओवर पर दौड़ेंगी गाड़ियां। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता विभांशु। विभांशु, दो दिवसीय दौरे पर राजनाथ रक्षा मंत्री आएंगे। काम है के सांसद राजनाथ सिंह अपने दो दिवसीय दौरे को लेकर आज राजधानी लखनऊ आएंगे। राजधानी लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों को शिरकत करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लखनऊ से अगर देखें तो अगर वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा विस्तार आया, साथ ही साथ लालजी टंडन करा, उसी क्रम में अब कहीं ना कहीं जो विश्वास है लखनऊ की जनता का वो राजनाथ सिंह के साथ पिछले दो मरतबा लोकसभा चुनाव से है। अगर बात की जाए आज राजनाथ सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि देश के प्रदेश के अंदर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होना है, इसको लेकर बात की जाए तो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन वहां एक फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। अगर माना जाए तो लखनऊ की अगर स्थिति में बदलने की एक अगर देखें तो किसी को श्रेय दिया जाता है तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि 1997 मीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर की भी शुभारंभ करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि 134 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आपको बताएं कि आज वो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 106वां महर्षि जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज सबोज देर शाम लखनऊ के सुप्रसिद्ध कॉलेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंच कर और छात्रों का हौसला अफजाई करेंगे, उन्हें उनकी डिग्री देंगे। विभांशु नमस्ते, लखनऊ विथ राजनाथ सिंह कार्यक्रम में वो शामिल होंगे मुख्य अतिथि के उपस्थित में। लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कितना खास रहेगा ये उनका दौरा? जी, अगर देखा जाए तो अगर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल इसको लेकर ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं आप बताए कि एक शेष नेता होने के तौर पर राजनाथ सिंह लगातार अगर देखे तो देश भर का भ्रमण करते हैं। लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है तो वो जब भी आते हैं तो कुछ अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराकर जनता से कनेक्ट होने का एक पैसा ढूंढते हैं। अगर बात की जाए तो नमस्ते लखनऊ से साफ तौर से लखनऊ की जनता को जोड़ना और उनकी समस्याओं को जानना होगा। आज देर शाम इसके जब शुभारंभ करेंगे दोपहर तक तो उसमें साफ तौर से यहाँ के देखा माना ही जा रहा है कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि नमस्ते लखनऊ से कितना बदलाव ले आकर और कितना जनता को कनेक्ट कर पाते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। नहीं हुई कार्रवाई, छात्रों का आरोप है कि मामले को दबाने में जुटा है विश्वविद्यालय प्रशासन। पीड़िता छात्रा और उसके साथी छात्रों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आशारा थाना क्षेत्र के बीबीयू की पूरी घटना। स्थापना दिवस पर हुई थी छात्रा से छेड़छाड़, 24 घंटे बाद भी आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई। छात्रों का आरोप है कि मामले को दबाने में जुटा है विश्वविद्यालय प्रशासन। पीड़िता छात्रा और उसके साथी छात्रों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आशियाना थाना क्षेत्र के बीबीयू की है पूरी घटना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता सागर। सागर, छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, क्या है कुछ पूरा मामला? विश्वविद्यालय परिषद का जो है स्थापना दिवस था
तो इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे और जो घटना हुई है ये लंच बैठक बांटने के दौरान हुई, क्योंकि काफी संख्या में छात्रों की संख्या थी और यहाँ पर फैकल्टी भी मौजूद थी। तमाम जो बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, वो भी बहुत ही मौजूद थे। लंच पैकेट बांटा जा रहा था, उस दरमियान छात्रावास फैकल्टी के जो जानने वाले हैं या मान सकते हैं कि फैकल्टी उन्हें बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, क्योंकि छात्र ने साफ साफ आरोप लगाया था कि उसे छात्र ने छेड़ा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के छात्र ने छेड़ा। तो कुल मिला के उसके बाद से वो छात्र के साथ छेड़खानी हुई, उसके अपने अपने बैचमेट को बताया तो बैचमेट कुल मिला के कुलपति आवास पहुंचे थे, प्रोफेसर संजय सिंह के आवास पहुंचे थे, उनका घेराव किया। उसके बाद से लगातार वहां पे नारेबाजी हुई, रात के 12 बजे तक नारेबाजी होती रही। उसके बाद से प्रोफेसर संजय सिंह वहां से बाहर निकले और उन्होंने पुलिस बल को सूचित किया। पुलिस बल आने के बाद और संजय सिंह के आश्वासन देने के बाद मामले को शांत कराया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संजय सिंह है उन्होंने ये ऐलान किया था कि बहुत ही जल्द ही जो आरोपी छात्र के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कल ही बुधवार की बात है, कल ही प्रोफेसोरिया ने बैठक हुई थी, इसमें छात्रों को भी सम्मिलित, छात्र को भी सम्मिलित किया गया था। तो छात्र को सम्मिलित किया जा रहा था, उसमें भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, उसमें कोई फैसले नहीं हो पाए। कुल मिला के देखने वाली बात यह रही, कल पूरी तरह से यूनियन जो स्टडी सेंटर है उसमें सन्नाटा पसरा था, जो छात्र के जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो तमाम लोग हैं वहां पर मौजूद तो रहे लेकिन उन्होंने क्लास का एंटर नहीं किया। तो कुल मिला के पूरी तरह से जो छात्र हैं वहां से यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरुद्ध हैं और उन्होंने साफ तक ये कहा है कि एक आरोप ये भी लगाया है कि जो विश्वविद्यालय परिसर है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, उन्होंने सीसीटीवी का फुटेज देने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी मामला सामने आ रहा है कि जो छात्र को जो है फैकल्टी और जो प्रोफेसर संजय सिंह है वहाँ के कुलपति हैं उन्हें कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये भी देखा जा रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई भी बयान नहीं आया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या उस छात्र पर विश्वविद्यालय परिसर कोई आरोप सिद्ध करके कोई एलिगेशन लगाता है या फिर जो छात्रा है उसके जो सहपाठी है उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। जी भारी मात्रा में छात्राओं में रोष देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना है छात्र छात्राओं का इस पूरे मामले पर? देखिए मीडिया में प्रकाशित न होने के शर्त से जो छात्रा है उसके सहपाठी से हमारी बात हुई थी तो उसने साफ साफ कहा कि घटना की जांच की और छात्रा से बुरी तरह से छेड़छाड़ की गई है और उसके बावजूद भी प्रशासन किसी भी तरह की छूट नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला है, जो वहाँ की जो महिला स्टाफ है, जो छात्राएं हैं उन्होंने भी एक कड़ी सही हुई है कि विश्वविद्यालय परिसर में भी अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कहाँ पर सुरक्षित होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है और एक महिला सुरक्षा को भी लेकर सवाल पैदा होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो उसमें ढिलाई कर रहा है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो उसमें बहुत तरह से कोताही कर रहा है। अगर कोताही कर रहा है उनमें हिम्मत बढ़ चुकी होगी शायद मुझे लगता है। तो उसमें देखने वाली बात ये भी कही जा सकती है कि जो छात्रा है काफी बड़ी फहमी है, उसके छात्रा के जो मित्र है, सहपाठी है, जो बैचमेट है वो विरोध कर रहे हैं लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन का। मुझे लगता है कि शायद आज भी कुछ प्रदर्शन हो सकता है क्योंकि लगातार कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके जो छात्रा के जो मित्र हैं, सहपाठी है, वहां पर मौजूद थे लेकिन दोनों ने क्लास में कोई भी दाखिला नहीं लिया, क्लास में एंटर नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात ये सवाल ये होता है कि अब जो प्रशासन है, विश्वविद्यालय प्रशासन है, कुलपति क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और इस छात्र के साथ संतुष्ट होते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।